सेना के कुत्ते को रिटायरमेंट के बाद आखिर गोली या जहर देकर क्यों मार दिया जाता है? देखिए, एक आम सैनिक के जैसे सेना के जो कुत्ते होते हैं वो अपना पूरा जीवन देश की सर्विस में निछावर करते हैं। भारतीय सेना में भर्ती से पहले कुत्तों को कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग से गुजारा जाता है। एबीपी की रिपोर्ट के अनुसार सेना के कुत्ते जब अधिक समय तक बीमार रहते हैं या फिर वो सर्विस नहीं दे पाते हैं तब उनको जहर यानी कि एनिमल यूथेनेसिया देके मार दिया जाता है। पूरे सम्मान और विधि विधान के साथ इनकी विदाई की जाती है। इन्हें मारने की सबसे बड़ी वजह यह है कि मिलिट्री के कुत्ते को सीक्रेट प्लेस लोकेशन के साथ साथ कई सारी इन्फॉर्मेशन भी पता होती है। ये मिलिट्री डॉग आम कुत्तों से कई ज्यादा बुद्धिमान और ताकतवर होते हैं। अब ऐसे में अगर उनको आम लोगों को सौंप दिया जाए तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। 2015 में सरकार की मंजूरी के बाद कुत्ते और घोड़ों जैसे जानवरों की इच्छा मृत्यु बंद कर दी गई। उन्हें रिटायरमेंट के बाद मेरठ के वृद्धाश्रम में रखा जाने लगा। सरकार के इस नेक काम के लिए लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है।